हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सेंड्री टेक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे एक फायर टेक्स्ट एनिमेशन इंट्रो क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को दो ऐप्स का जरूरत होगा, जो है पिक्सल लैब एंड काइंड मास्टर। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिव्यू दिखा देता हूँ इस इंट्रो जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो एक छोटा रिव्यू से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ऐसा ही एक इंट्रो हम लोग आज सीखने वाले हैं कैसे क्रिएट करता है हमारे मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पिक्सल ऐप को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके बाद आप लोगों को ये जो न्यू टेक्स्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके कोई भी एक टेक्स्ट लिख लेना है जो आप लोग लिखना चाहते हो। आप लोग अपना जो चैनल की जो नाम है वो भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, मैं काइंड मास्टर लिख लेता हूँ। तो चलिए काइंड मास्टर लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ पर जो डन है, डन के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप लोगों को जो ओके है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप लोगों को जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा मिडिल पे ले आना है। ले आने के बाद आप लोग नीचे के तरफ देख सकते हो ए करके ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर सिंपली जो है क्लिक करना है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा एक इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो आप लोगों को, मैं चला जाता हूँ नीचे पहले, तो देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट कट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर सिंपली जो है क्लिक करना। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा। तो आप लोग कोई भी फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये वाला जो फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ करने के बाद। तो अभी आप लोगों को ये जो टेक्स्ट दिख रहा होगा इसको थोड़ा मिडिल पे ले जाना है। इसके बाद आप लोगों को फिर से राइट साइड पे जाना है। जाने के बाद आप लोग को थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोग को स्ट्रोक करके ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके ऊपर सिंपली ओके कर देना। करने के बाद अनवेल जो ऑप्शन होगा उसको अनवेल कर देना। करने के बाद नीचे कलर दिख जाएगा, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को रेड कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली जो है आप लोग को रेड कलर का ऑप्शन ही चूज़ करना है यहाँ पे। तो अभी आप लोग को जो है सिंपली ओके कर देना है। तो फिर से हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप लोग को 3D टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर जो सिंपली क्लिक करना है। करने के बाद इसको भी सिंपली जो है अनवेल कर लेना है। तो इसके बाद फिर से नीचे के तरफ जो डेप्थ दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा कम कर लेना है हम लोगों को, जो है 8 से 9 या 7, 8, 9 ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो इसको मैं 8 कर लिया। अभी जो सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमारा जो टेक वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग का एक लास्ट ही काम बाकी है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को इस ऑप्शन पे ऊपर जाना है। जाने के बाद एकदम ऊपर ट्रांसपेरेंट करके ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर सिंपली जो क्लिक कर देना। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो PNG में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग को इसको सेव कर लेंगे हम लोग। तो चलिए सेव के ऑप्शन के ऊपर जाना है। ये वाला जो ऑप्शन है ये सेव का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर सिंपली जो क्लिक करना है। करने के बाद नीचे जो सेव टू है, सेव एज इमेज करके ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको सिंपली क्लिक कर देना। तो अभी आप लोगों को जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। करने के बाद एकदम नीचे देखोगे तो अल्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करके जो है सिंपली सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना। तो अभी हमारा जो इमेज है वो सेव हो रहा है। चलिए इसको सेव होने देते हैं। तो अभी देख सकते हो हमारा जो इमेज वो सेव हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है सिंपली बैक आ जाएंगे। तो मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से। तो बैक आने के बाद आप लोग को जो है सिंपली काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लिया। अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, वो भी 16:9 रेशियो का, ठीक है। तो 16:9 रेशियो का एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद लोग को कुछ जो है इफेक्ट्स एंड कुछ एनिमेशन डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आप लोग को ये जो स्टोर का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो अभी स्टोर पर क्लिक करोगे तो आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आप लोगों को सीधा जो इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इसके ऊपर सिंपली जो है क्लिक कर देना है। तो क्लिक करोगे तो आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे इफेक्ट दिख जाएगा। तो अभी आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद
आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ये जो इफेक्ट्स है, इसको ही आप लोगों को जो है इंस्टॉल कर लेना। तो अभी इसको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना, करने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करता है। तो मेरा पहले से ही डाउनलोड करके रखा है इसलिए मेरा इंस्टॉल आ रहा है। तो आप लोगों का यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना, आप लोगों का ऑटोमेटिक डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग फिर यहाँ से बैक आ जाना है। तो आने के बाद तो आप लोगों को फिर से थोड़ा नीचे जाना है, फिर से एक और इफेक्ट जो है डाउनलोड करना है। तो ये देख सकते, ये जो पोस्टर परफेक्ट के जो इफेक्ट दिख रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके इसको भी सेम तरीके से डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को थोड़ा जो है डाउनलोड करने के बाद बैक आना है। आने के बाद यहाँ पे जो है फोर्थ वाला ऑप्शन, ऊपर से फोर्थ वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे जो इतना सारा जो है यार ये सब एनिमेशन ही है। तो आप लोगों को नीचे के तरफ जाने के बाद यहाँ पे फायरी बॉर्डर करके जो एनिमेशन दिख रहा होगा इसके ऊपर जो है सिंपली क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोगों को फिर से इसको भी डाउनलोड कर लेना है इफेक्ट्स के तरह। तो इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग का जो काइनमास्टर ऐप्स है उस पर अगर आप लोगों को ये सब इफेक्ट्स एंड एनिमेशन डाउनलोड करने के लिए पे करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है विदाउट वाटरमार्क के जो काइनमास्टर कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। तो आप लोगों को ये सब फ्री में मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को वहाँ से बैक आने के बाद मीडिया के जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके सिंपली जो है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है चूज कर लेना है यहाँ से। तो अभी आप लोगों को वो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा इसका ड्यूरेशन जो है थोड़ा इसको बढ़ा करके 9 तक कर लेना है। तो मैं 9 तक कर लिया। अभी आप लोगों को जो है सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर से आप लोगों को जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग को मीडिया में जाना है। लेयर के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ से जो पहले जो पिक्सल लैब में जो टेक्स्ट लिखे थे उसी टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देना है यहाँ पे। करने के बाद इसको थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट कर देना। इसके बाद आप लोग जो इन एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके अंदर जाना। जाने के बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोगों को वाइप राइट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। करने के बाद इसका एनिमेशन स्पीड जो है इसको 1.5 पे रख के जो है सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो अभी तो फिर से हम लोगों को जो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद इसका ड्यूरेशन भी जो है बैकग्राउंड की तरह ही कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की तरह कर लिया। अभी आप लोगों को सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो करने के बाद आप लोगों को फिर से जो है लेयर पर क्लिक करके आप लोगों को इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो इफेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जो इफेक्ट्स डाउनलोड किए थे उससे पहले वाला जो है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आप लोग को मेल्टिंग पॉइंट को जो है सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना। अभी आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट पे पॉइंट का जो ड्यूरेशन है उसको भी बैकग्राउंड के तरह ही कर देना। करने के बाद इसको जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेना टेक्स्ट के तरह ही। करने के बाद आप लोगों को क्रॉपिंग जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आप लोगों का जो मास्क ऑप्शन दिख रहा होगा इसको अनेबल करके इसका शेप जो है ये सर्कल में रहेगा, आप लोगों को सर्कल से इसको स्क्वायर में कर लेना। करने के बाद आप लोगों को जो ऐसे ही इसको टेक्स्ट की तरह छोटा कर लेना है। तो देख सकते हो ऐसे आप लोग कर लेना। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारा टेक्स्ट के साइज भी हो चुका है हमारा इफेक्ट। तो अभी आप लोगों को सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। आने के बाद लेयर के ऑप्शन के ऊपर जाना। जाने के बाद आप लोग यहाँ से इफेक्ट को चूज कर लेना। करने के बाद वो जो दूसरा वाला पोस्टर परफेक्ट जो इफेक्ट आप लोग डाउनलोड किए थे उसको चूज कर लेना। तो ऐसे चूज करके आप लोग सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना। करने के बाद इसका भी ड्यूरेशन जो है सेम तरीके से इन दोनों के तरह कर देना है। तो इसका ड्यूरेशन करने के बाद आप लोगों को इसको भी फिर से टेक्स्ट की तरह एडजस्ट कर देना। करने के बाद फिर से आप लोग क्रॉपिंग ऑप्शन के ऊपर जाना। तो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पहले।
तो हो गया, अभी आप लोगों को क्रॉपिंग ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो जाने के बाद फिर से मास्क को जो है ऑन करना है, करने के बाद इसको भी स्क्वायर में लाना है, लाने के बाद फिर से इसको भी जो है एडजस्ट कर लेना है टेक्स्ट के साइज में। तो टेक्स्ट के साइज में एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो अभी जो है ये टेक्स्ट के साइज में एडजस्ट हो गया। तो अभी आप लोगों को सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक करके इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप लोगों को फिर से कोई भी एक इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को इन एनिमेशन जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली जो है थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद आप लोगों को वाइट राइट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके इसका एनिमेशन स्पीड जो है इसको 1.5 पे रख के इसको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दूसरा वाला इफेक्ट को भी सिलेक्ट करके इन एनिमेशन के अंदर जाना। जाने के बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोगों को सेम ऑप्शन मिल जाएगा वाइप राइट, तो इसको चूज करके इसका भी एनिमेशन स्पीड जो है 1.5 पे रख के इसको सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो हो गया। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का हो गया है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का इसको लुक मिल चुका है। तो अभी आप लोगों को दोनों इफेक्ट्स एंड टेक्स्ट को 0.8 सेकेंड तक बैकग्राउंड से पीछे ले जाना है। तो चलिए इसको पीछे ले जाके एडजस्ट कर देता हूँ। तो तीनों चीज़ को एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को सीधा यहाँ से लेयर के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जाने के बाद वहाँ से मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वही वाला वीडियो जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आप लोगों को जो है सिंपली यहाँ पे ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये वीडियो को जो है फिट टू स्क्रीन कर लेना है। तो मैं कर लिया, अभी आप लोगों को सिंपली ओके कर देना। तो अभी आप लोगों को वीडियो को थोड़ा होल्ड करके एकदम पहले ले जाना है, मतलब वो जो बैकग्राउंड है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ले जाने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ वीडियो जो है कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आप लोगों को। तो वीडियो पे कोई टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोगों को फिर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आप लोग राइट साइड पे थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो ये वाला। आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो काइनमास्टर के ऐप्स के लिंक, तो वहाँ से आप लोग काइनमास्टर ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना। आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शन ज़रूर दिखेगा उस ऐप्स पे, तो ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक कर लेना आप लोग। करने के बाद आप लोग स्क्रीन जो ऑप्शन है उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद सिंपली जो है ओके कर देना। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो वीडियो के ऊपर ऑलरेडी शो कर रहा है। तो हम लोग प्ले करके देख लेते हैं, तो देख सकते हो प्ले करके देखने के बाद हम लोग को लग रहा है कि हमें थोड़ा टेक्स्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए आप लोग को फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा आगे ले जाके आप लोगों को टेक्स्ट को जो है सही तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो एडजस्ट हो गया मेरा। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो जो है वो कुछ इस तरह का हो गया है। तो हमारा वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट ये काम बाकी है। तो उसके लिए हम लोग को लेयर के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जाने के बाद हम लोग को ओवरले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद हम लोग जो एनिमेशन पहले डाउनलोड किए थे उसको ही सिलेक्ट करके आप लोग को ये वाला जो एनिमेशन सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो अभी आप लोगों को जो है ये एनिमेशन को थोड़ा छोटा कर लेना। करने के बाद इसको सही तरीके से टेक्स्ट के ऊपर ले जाके एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से राइट साइड पे ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके सिंपली जो है स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा अभी एक लास्ट काम ही बाकी है, तो इसको कर लेता हूँ। उससे पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को जो एनिमेशन सिलेक्ट किए थे इसको सिंपली टेक्स्ट के साइज में कर लेना है, दोनों तरफ से, आगे से और पीछे से, दोनों तरफ से ही टेक्स्ट के साइज में कर लेना है। तो अभी आप लोगों को इसको फिर से सिलेक्ट करके इन एनिमेशन के अंदर जाना है। जाने के बाद फिर से थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोगों को वही वाला ऑप्शन मिल जाएगा वाइट टाइप, उसको सिलेक्ट करके आप लोगों को एनिमेशन स्पीड जो है वो 1.5 पे छोड़ के सिंपली जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा इंट्रो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। We'll be right back.
लोगों को यहाँ से सीधा सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे वीडियो को चूज करके यहाँ पे वीडियो फेड आउट जो ऑप्शन है उसको सिंपली अनवेल कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा वीडियो जो है वो एकदम कम्प्लीट हो चुका है, तो आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स कैसा लगा है वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके पास के जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग नया वीडियो चैनल पे लाऊं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।